अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मरियम्स फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला, जो कि एक बहुत ही फेमस रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली रेसिपी है। रेस्टोरेंट में, शादियों में अक्सर ये पनीर बटर मसाला हमें खाने को मिलता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में हम इसे आज बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल गर्म करेंगे पैन में, और उसमें मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज रफली चॉप की है और उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट हमें ट्रांसलूसेंट कलर आने तक इसे फ्राई करना है, क्योंकि बाद में हमें इन सब का पेस्ट ही बनाना है। ये देखिए, बस हल्का कलर आने तक ही हम इसे फ्राई करेंगे। बस इतना ही, देखिए इतना ही हमें प्याज का कलर चाहिए। इसके बाद हम, मैंने इसमें चार मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रख लिए हैं, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और उन्हें भी अच्छे से तेल के साथ हम फ्राई कर लेंगे। और इसमें मैंने इसके साथ साथ सूखी लाल मिर्च ली हैं, जो कि 8 से 10 हैं। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम रख सकते हैं मिर्चें, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से इसमें मिर्चें डाल सकते हैं। बहुत तेज़ वाली मिर्ची नहीं है मेरी ये। इसको अच्छे से भूनेंगे हम। अच्छे से हम थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा बहुत फ्राई करेंगे। और इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पे इसमें मैंने कुछ काजू भिगो के रखे थे, 15 से 10 के आसपास काजू हैं ये, ये मैंने भिगो के रखे थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें यहाँ पर ऐड किया था, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। अब इन सबको हम अच्छे से थोड़ी देर फ्राई करेंगे, और फ्राई होने के बाद हम इसे एक बाउल में अलग निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद सेम मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। आप जो भी ऑयल या फिर जिस भी चीज़ में आप खाना प्रेफर करते हैं वो इसमें आप ऑयल डाल सकते हैं। मैं इसे घी में बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी लिया था और 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बटर लिया है। इन्हें अच्छे से हम घुलने देंगे यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे भर के 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, वो यहाँ पे मैंने तेल में ऐड की है और उसे हम इसमें फ्राई करेंगे। इसके साथ साथ जो हमने वो सब पेस्ट तैयार किया था टमाटर प्याज का प्योरी का, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है, कश्मीरी लाल मिर्च के वजह से ही कलर आया है। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और इसे हम भूनेंगे। यहाँ पे हम 1 चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भूनना है अच्छे से। साथ ही साथ इस स्टेज पे थोड़ी सी हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने यहाँ पे ऐड की है। इससे बहुत अच्छा एक मतलब खुशबू आती है, एक फ्लेवर सा इसमें बिल्ड होता है। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स किया है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके रख लिया है, वो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इससे जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत अच्छी सी क्रीमी सी हो जाती है। ये देखिए मैं वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है इसका, 1 चम्मच चीनी, क्योंकि एक पनीर बटर मसाला में एक अजीब सा मिठास सा टेस्ट आता है, वो 1 चम्मच आप चीनी ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपको लगेगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच ही ऐड करनी है। ये देखिए ये मसाला अच्छे से भुन रहा है मेरा। यहाँ पे 1 चम्मच हम, आधा चम्मच ही बल्कि गरम मसाला ऐड करिएगा और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसे अच्छे से हम भूनेंगे ताकि जो भी
मसालों के और जो प्याज वगैरह की जो अच्छे कच्चा बने वो निकल सके। अब एक जार में हम तकरीबन 50 ग्राम के करीब खोया लेंगे और खोए के साथ साथ आधा कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे, आधा कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसे हम पीस लेंगे। और वो जो हमने पेस्ट तैयार किया है इस स्टेज पे हम डाल देंगे। ये देखिए एकदम क्रीमी सा हमारा पनीर बटर मसाला तैयार होगा। इससे ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है खोया पनीर बटर मसाले का, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपको टेस्ट मिलेगा अगर आप इसमें ये ऐड करेंगे तो। ये देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर होगा इसका। अब मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया था जो मैंने कट करके रख लिया है। इस टाइम पे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी पनीर और पनीर ऐड करके अच्छे से हम करेंगे इसमें मिक्स। ये देखिए अब मिक्स करके हम इसे पकाएंगे मसाले के साथ ताकि पनीर में अच्छे से हमारा मसाला बैठ सके। थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे, हमारे जार में जो हमने खोया पीसा था उसी जार में पानी लेके ऐड करेंगे हम। पानी हमें इतना डालना है कि हम सिम पे अगर छोड़ रहे हैं तो हमारा जो पनीर है मसाला है वो नीचे से लगे ना। ये देखिए हमने इतना में पानी ऐड कर दिया है। अब हम फ्लेम को करेंगे स्लो और लिड लगाकर हम 4 से 5 मिनट इसे स्लो फ्लेम पे पकाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये पनीर बटर मसाला कैसे तैयार हुआ। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पे हम यहाँ पे इसमें 2 चम्मच के करीब क्रीम ऐड करेंगे। आप बाहर की बिकने वाली भी क्रीम ले सकते हैं, मैं घर की क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए एकदम क्रीमी सा टेक्सचर इसमें, बढ़िया सा कलर आया है। ये देखिए मरियम किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।